निमराना में एसीबी ने कार्यवाही करते हुए मणिपुर में ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा व सहयोगी राज्यकर्मी कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्यकर्मी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एसीबी के आईजी रवि संभरवाल ने बताया कि हमारे पास परिवादी के द्वारा ईडी प्रवर्तन कार्यालय के अधिकारी इम्फाल मणिपुर में दर्ज चिटफंड केस में गिरफ्तारी नहीं करने के मामले का समाधान करने में प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। ऐसे में परिवादी की शिकायत को जांच किया गया, जिसमें मणिपुर इम्फाल के ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा, प्रवर्तन अधिकारी व सहयोगी बाबूलाल मीणा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन मुंडावर जिला खैरतल तिजारा को 15 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी मामले में अन्य लोगों के लिप्त होने की जानकारी भी जुट गई है। एसीबी ने अधिकारी के सहयोगी बाबूलाल मीणा, कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक कार्यालय मुंजावर को निमराना की सोसाइटी में स्थित मकान से गिरफ्तार किया। वहीं रिश्वत में 15 लाख रुपए की राशि भी बरामद की गई है। कार्यवाही को अंजाम देने के लिए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु के नेतृत्व में 20 अक्टूबर से कार्यवाही को अंजाम देने में लगी हुई थी। एसीबी को आज सफलता मिली है। देखिए, एसीबी राजस्थान ने आज कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसमें मसला ये है कि हमारे जो परिवादी हैं उनसे इन्होंने एक मुकदमे में मदद करने के लिए, उसमें मुलजिम नहीं बनाने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड करी थी। तो परिवादी ने क्या कहते हैं एसीबी मुख्यालय पर शिकायत की, जिसका हमने वेरिफिकेशन कराया। सत्यापन करने के बाद हमें ये यकीन हुआ कि वाकई जो है कंप्लेनेंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि एक अवैध रूप से मांगे जा रहे हैं, किसी वैध कार्य के लिए नहीं मांगे जा रहे हैं। तो उसको वेरीफाई करने के उपरांत, सत्यापन करने के बाद हमने ट्रैप ले किया और ट्रैप के दौरान आज क्या कहते हैं 15 लाख रुपए की राशि डिलीवर करते समय हमने सस्पेक्ट ऑफिसर के जो सहयोगी है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सस्पेक्ट ऑफिसर को भी अरेस्ट कर दिया। सर, कहाँ से अरेस्ट किया इनको? जो ये डिलीवरी हुई थी ये निमराना में हुई है। हमने इनके जो सहयोगी हैं उनको हमने निमराना में डिटेन किया और जो सस्पेक्ट ऑफिसर है उसका घर है तहसील जमवारामगढ़ में, वहाँ से हमने उसको डिटेन किया। सर, परिवादी कहाँ का है? परिवादी हरियाणा के हैं और इनका दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, हरियाणा में कई जगह पे बिजनेस है। तो ये है मूलतः शायद हरियाणा के। सर, और कार्रवाई में कौन 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 संदिग्ध हैं? कुछ संदिग्धों के बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। अभी जो हमारे सामने तथ्य हैं वो मैं आपको सुनूँगा। तो ईडी जो ऑफिसर है ये इम्फाल मणिपुर के हैं? जी, वहाँ पर कार्यरत ईडी के जो ऑफिसर हैं ये जो सब जोन है मणिपुर में, इम्फाल में प्रवर्तन निदेशालय का, जी उसके ऑफिसर है, उसका एनफोर्समेंट ऑफिसर है। जो इस मुकदमे में ये इनकी डिमांड करी थी वो मुकदमा भी इम्फाल में दर्ज है और उस मुकदमे में सिविल पुलिस ने भी जो मुख्य आरोपी उनको अरेस्ट किया था उसी के संबंध में इन्होंने पीएमएलए के तहत तफ्तीश करते समय हमारे जो परिवादी हैं उनको कनेक्ट किया, उनसे टच किया, उनको इंटिमिडेट किया, थ्रेटन किया और पैसे की डिमांड की। निमराना में कोई प्रॉपर्टी है उनकी? चिटफंड कंपनी का कोई ऐसा मामला बताया नहीं, ऐसी अभी तक प्रारंभिक तफ्तीश में सामने नहीं है। तो सब रजिस्ट्रार का बाबू मुंडावर का वो किस तरह इन्वॉल्व हुआ? वो सब रजिस्ट्रार का जो बाबू है वो जो हमारा जो सस्पेक्ट ऑफिसर है उसका मित्र है, तो उन्होंने उस मित्र को इस्तेमाल किया कि आप जाके वो डिलीवरी लेकर आए। सर, परिवाद कितने दिन पहले दायर किया था और किस तरह क्या हुआ? ये परिवाद हमारे पास 20 अक्टूबर को आया था, कंप्लेन हमसे कनेक्ट हुए थे। उसके बाद लगातार हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, सत्यापन के प्रोसेस में टू मेक श्योर कि वाकई जो कंप्लेनेंट बता रहा है वो सच बात है या नहीं, वो एक बार कंप्लीट वेरिफिकेशन हो। फिर हमने पीछे भी ट्रैप ले करने की कोशिश की लेकिन हमारा सफल नहीं हुआ। आज फाइनली वी वर एबल टू डू इट। ट्रैप की पहले एक बार कार्रवाई फेल हो गई? फेल नहीं हुई, हमारा आगे पीछे चलता है। अच्छा, थैंक यू।